रमा, सच में तुम्हारे आने के बाद मेरे काम में बहुत बरकत हुई है। तुम्हारे हाथों का यह लाजवाब पालक पनीर खाकर सबका मन खुश हो जाता है। बस करिए जी, अब कितनी तारीफ करेंगे मेरी। अच्छा सुनिए, आज तो अच्छी कमाई हो गई है। आप कल सुबह जाकर बाजार से थोड़ा राशन पानी ले आना। राजपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, वहाँ हाईवे के पास हरी अपनी पत्नी रमा के साथ छोटा सा ढाबा चलाता था। पहले तो वह इतनी कमाई नहीं कर पाता था, लेकिन जब रमा से उसकी शादी हुई तो उसकी किस्मत जाग उठी, क्योंकि रमा बहुत अच्छा खाना बनाती थी और उसके बनाए हुए पालक पनीर का तो कोई जवाब ही नहीं था। उसका बनाया हुआ पालक पनीर लोग उंगलियां चाट चाट कर खाते थे। एक दिन सुबह हरी जब राशन लेकर आ रहा था तो उसे एक खूबसूरत लड़की मिलती है जो रो रही थी। हरी उसके पास जाकर उससे पूछता है, आप कौन हैं? इस गांव की तो नहीं लगती, और आप रो क्यों रही हैं? देखिए आप दुखी मत होइए, मुझे बताइए क्या हुआ है आपके साथ। मेरे माँ बाप मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक दुर्घटना में उनका देहांत हो गया और उनके जाते ही मेरे भाई भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। अब ना तो मेरे पास रहने का ठिकाना है और ना ही खाने का। देखिए आप चिंता मत कीजिए, आप जब तक चाहे मेरे घर में रह सकती हैं। घबराइए नहीं, मेरे घर में मेरे साथ मेरी पत्नी भी रहती है। वह उसे लेकर घर आ जाता है और रमा को सारी बात बताता है। रमा भी उसे अपने घर में रखने के लिए राजी हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, हरी और गौरी की नजदीकियां भी काफी बढ़ जाती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अब तो हरी अक्सर अपनी बीमारी का बहाना बनाकर घर पर ही रुक जाता और रमा को अकेले ठेले पर भेज देता। हरी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगी हूँ। हाँ गौरी, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ। लेकिन कभी रमा को इसके बारे में पता चल गया तो आप तो मुझे छोड़ ही देंगे, क्योंकि रमा की मेहनत और उसके बनाए हुए पालक पनीर की वजह से ही तो आपका घर चलता है। नहीं, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे भी खाना बनाना कौन सी बड़ी बात है, हम दोनों मिलकर बना लेंगे। उधर बेचारी रमा काम पर जाती रहती है। रमा, एक प्लेट पालक पनीर पैक कर देना मेरे लिए। वैसे क्या बात है रमा, आजकल भाई साहब ठेले पर नहीं दिखते हैं। हाँ, वो आजकल उनकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है तो वो घर पर ही रुक जाते हैं। वैसे सुना है आजकल कोई लड़की रह रही है तुम्हारे घर में, स्वाति के पिताजी ने बताया। कल उन्होंने हरी भाई साहब को किसी लड़की के साथ घूमता हुआ देखा था। देखो, वैसे तो मैं कोई आग नहीं लगा रही, बाकी तुम खुद समझदार हो। गांव की औरत की बात रमा के दिमाग में बैठ गई थी। रमा जल्दी जल्दी ठेला बंद कर घर गई और उसने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। आपको शर्म नहीं आती अपनी पत्नी को ऐसे धोखा देते हुए? गांव की गंवार कही कि तुम्हें खाना बनाने के अलावा आता ही क्या है, अब मैं इसे अपनी पत्नी मान चुका हूँ, तुम चली जाओ मेरे घर से। रमा रोते हुए घर से निकल गई। तभी गांव की उसी औरत ने रमा को रोक लिया। फिर रमा ने उसे सारी बात बताई। उन दोनों को तो डूब कर मर जाना चाहिए, हरी भाई साहब को शर्म नहीं आई ऐसी हरकत करते हुए? बहन, ऐसे धोखेबाज पति के साथ नहीं रह सकती मैं, लेकिन अकेले कहाँ जाऊँ और क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सही कह रही हो रमा, तुम ऐसे आदमी के साथ रहना भी नहीं चाहिए। तुम तो इतना अच्छा खाना बनाती हो, तुम्हारा बनाया हुआ पालक पनीर कितना पसंद आता है लोगों को, तुम अपना खुद का ठेला लगा लो। गांव की औरत ने रमा को उधार में थोड़े पैसे दिए और एक किराए का छोटा सा कमरा भी दिलवा दिया। रमा ने अपना खुद का ठेला लगा लिया। रमा का ठेला देख हरी और गौरी के होश ही उड़ गए। अरे रमा बहन, जल्दी से 2 प्लेट पालक पनीर और 10 रोटी पैक कर देना। अरे मैंने लोगों से सुना है हरी के खाने में बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। देखते ही देखते रमा के ठेले पर लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। उधर हरी के ठेले पर अब मक्खी तक नहीं बैठती थी। तुम किसी काम के नहीं हो, इतने दिनों में पालक पनीर बनाना तो दूर, अच्छा खाना बनाना भी नहीं सीख पाए तुम। तो तुम्हें कौन सा खाना बनाना आता है, तुम तो आलू तक नहीं काट सकती हो, तभी तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें घर से निकाल दिया था। मेरी मति ही मारी गई थी जो मैं अपनी अन्नपूर्णा जैसी बीवी को छोड़कर तुम्हारे पास आ गया। तो कोई मैंने नहीं बोला था आने के लिए, तुम ही मेरी खूबसूरती पर मर मिटे थे, मुझे भी तुम्हारे जैसे निकम्मे आदमी के साथ गरीबी में अपनी जिंदगी नहीं बिताना है। जा रही हूँ मैं, तुम रहो अपने इस बेस्वाद खाने के साथ। इस तरह आए दिन हरी और गौरी में लड़ाई होने लगती है। कुछ दिनों बाद गौरी हरी को छोड़कर चली जाती है और वह सड़क पर आ जाता है।
दूसरी तरफ रमा का काम अच्छा चलने लगता है। कुछ दिनों बाद वह छोटा सा घर भी ले लेती है और अपने घर में रहने लगती है।